हेलो एवरीवन, मैं इंद्राणी निर्मलकर कंपटीशन कम्युनिटी के इस एफटीआर सीरीज में एक बार फिर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप मेरे साथ साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लिया है और आज बारी आई है बायोलॉजी की क्लास की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए, आज की क्लास हम बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बायो का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इंग्लिश में भी देखिए, विथ सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ दी सेल। कोशिका का पावर हाउस किस पार्ट को कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ऑप्शन बी है केंद्रक या फिर न्यूक्लियस का, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम का। ठीक है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम, दिए गए विकल्प में से आपका कौन सा आंसर सही है आप आंसर कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और देन राइबोसोम क्या होता है। तो यदि हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें, तो कोशिका भित्ति सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि ये केवल और केवल पादप कोशिका या प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल प्लांट सेल में, पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और इसी सेल वॉल के थ्रू ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, कोशिका भित्ति के थ्रू ही हम प्लांट सेल और जो एनिमल सेल या फिर जंतु कोशिका है, दोनों के बीच में अंतर हम किसकी सहायता से करते हैं? तो वो कोशिका भित्ति या सेल वॉल की सहायता से करते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किसके जरिए होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो ये बनती है सेल्यूलोज से। और जैसा कि मैंने बताया कि ये किस में पाया जाता है, तो ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या काम रहता है? तो प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल है वो प्लांट को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है प्लांट सेल में। कौन करता है? सेल वॉल करता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये पाया जाता है, सेल्यूलोज की ये बनी रहती है। इतने पॉइंट आप इसमें से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के बीच में या केंद्र में उपस्थित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करता है। जंतु में आ जाइए, जंतु कोशिका की बात यहाँ हो रही है। क्रोमोसोम क्या करता है? आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डीएनए उपस्थित होता है जो माता पिता से, जो उसकी उनकी अगली संतान है, उसमें जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही संतान में जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में या फिर न्यूक्लियस में। आगे आ जाते हैं, अब दिया गया है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ध्यान रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर इसे बिजली घर या ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीनों नाम ध्यान में रखेंगे, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर या फिर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस, बिजली घर या फिर ऊर्जा घर। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है मानव शरीर में, ऑक्सीश्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात यहां पर हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है या जो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी के रूप में, एटीपी ऊर्जा के रूप में कहाँ पर स्टोर होती है? तो वो स्टोर होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में जो एटीपी एनर्जी है, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, एटीपी
एटीपी एनर्जी वो जाके स्टोर हो जाती है और यही कारण के चलते माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, बिजली घर या फिर ऊर्जा घर कहा जाता है। आपसे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, जो क्या करता है ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस या केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है जिसमें डीएनए अणु होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के लिए डीएनए अणु जिम्मेदार होते हैं जो पाए जाते हैं कोशिका के केंद्रक या फिर न्यूक्लियस में। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा हिस्सा है जिसमें डीएनए कोशिका के केंद्रक के अलावा पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसमें केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे वो भाग या वो पार्ट कौन सा है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए जो आपके कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है वही डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये दो जानकारी, दो फैक्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। पहले, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा, डीएनए किस में पाया जाता है केंद्रक के अलावा, तो भी आपका आंसर होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट विकल्प पर आते हैं जो दिया गया है राइबोसोम का। राइबोसोम का क्या काम होता है, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है। प्रोटीन कहाँ पे निर्माण होता है प्रोटीन का, तो वो होता है राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया राइबोसोम में संपन्न होती है। ठीक है, एक बार वापस से हम देख लेते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो कि केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है, और ये पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्युलोज की। और हमने क्या ध्यान में रखा है कि प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल सेल्युलोज की बनी होती है। एक पॉइंट मैंने और बताया था कि ये प्लांट को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, उसकी संरचना को दृढ़ता प्रदान करने का काम होता है कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल का। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जिसमें कि क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें डीएनए उपस्थित होता है, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसके नाम हमने देखे हैं, तीन नाम हमने पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहने के पीछे का रीजन हमने जाना है। रीजन क्या था कि एटीपी ऊर्जा उसमें स्टोर रहती है, इस कारण से उसे पावर हाउस कहा जाता है। साथ ही हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये जाना कि केंद्रक के अलावा किसमें डीएनए पाया जाता है, तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो वो संपन्न होती है राइबोसोम में। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल बिजली घर कोशिका का या फिर कोशिका का ऊर्जा घर किस पार्ट को कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस कॉसेस अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, और विकल्प आपको दिए गए हैं विटामिन ए, बी, सी और डी के। ठीक है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो चलिए वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विटामिन ए का सबसे पहले केमिकल नेम आप ध्यान में रखेंगे, विटामिन ए के लिए उसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होता है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में आइए, जहां पर विटामिन बी आपको दिया गया है, तो ध्यान दीजिए जो विटामिन बी है वो अलग अलग ग्रुप में है, B1, B2, B3 आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको विटामिन B1 के लिए पूछा गया है, जिसका नाम होता है थायमिन, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, थायमिन विटामिन B1 के लिए केमिकल नेम है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए विटामिन सी का है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल इसे कहा जाता है। उसी तरह से विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ये सारे नाम आप ध्यान में रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के लिए है।
रेटिनॉल, विटामिन ए, थायमिन, विटामिन B1 के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, जबकि कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का केमिकल नेम है। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब बारी आती है कि इस कमी से, जो विटामिन आपको दिए गए हैं इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं रेटिनॉल या फिर विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रतौंधी नामक रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। उसी तरह से थायमिन या विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और इसी के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और जो विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल जिसका केमिकल नेम है उसकी कमी से होता है रिकेट्स। जनरली ये बच्चों में होता है, ठीक है। ये सारे नाम आप ध्यान में रखेंगे, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम इसके सोर्स की बात करें कि विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, B1 सी डी, तो देखिए विटामिन ए सबसे बेस्ट सोर्स इसका आप ध्यान में रख सकते हैं वो है मिल्क या फिर दूध, ठीक है। मिल्क विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। उसी तरह से विटामिन बी के लिए पोटैटो, आलू और जितने भी दाल होते हैं, ठीक है, वो सारे विटामिन बी के सोर्स हैं। यदि हम विटामिन सी की बात करें तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें भी सबसे बेस्ट होता है विटामिन सी के लिए सोर्स, वो है आंवला। यदि हम विटामिन डी की बात करें, ठीक है, तो सनलाइट तो है ही, इसके साथ ही आप चीज़, बटर, ये सारे भी विटामिन डी के सोर्स हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार वापस से देखते हैं, विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक डिजीज, और मिल्क इसका बेस्ट सोर्स है, ठीक है। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, बेरी रोग होता है इसकी कमी से, एग पोटैटो और पल्सेस इसके बेस्ट सोर्स हैं, विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, आंवला या साइट्रस फ्रूट्स, लेमन भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ऑरेंज, जितने भी खट्टे फल है वो आपके विटामिन सी की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बीमारी होती है, सनलाइट, चीज और बटर इसके बेस्ट सोर्स में से है, ठीक है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, पूछा गया है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो हमने जैसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में डिस्कस किया है, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। इस रोग में जो घाव होते हैं वो भरते नहीं हैं, इस रोग को नाम दिया जाता है स्कर्वी का, जो कमी की वजह से होता है विटामिन सी के, ठीक है। ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे, किस विटामिन का क्या नाम है, उससे कौन से रोग होते हैं, इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं स्मरण का केंद्र है, यानी कि इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन पर आते हैं सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। पूछा क्या गया है कि मनुष्य के ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बुद्धि और स्मरण का, यानी इंटेलिजेंस और मेमोरी का केंद्र है। विकल्प आप देख पा रहे हैं सेरिबेलम का है, हाइपोथैलेमस का है, सेरिब्रम है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो देखिए, जो मानव मस्तिष्क है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो तीन पार्ट में बटा होता है, ठीक है। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो होता है अग्रभाग, बीच वाला कहलाता है मध्य, और अंत वाला कहलाता है पश्चिम, ठीक है। इंग्लिश में यदि हम कहें तो ये होता है फोर ब्रेन, ये होता है मिड, जबकि ये होता है हाइंड या फिर हिंड ब्रेन, ठीक है। तीन हिस्सों में मनुष्य का दिमाग बटा होता है। अब यदि बात करें ये अग्र मस्तिष्क की या फोर ब्रेन की, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट में, पहला कहलाता है सेरिब्रम का, सेरिब्रम इसका पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट जिसे हम जानते हैं डाइएन्सेफेलॉन के नाम से, ठीक है।
सेरिब्रम और डाइएन्सीफेलॉन, ये होता है अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट, ठीक है। ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तब आप ध्यान में रखेंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जो कि किसका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क या फिर फोर ब्रेन का हिस्सा है। जितनी भी चीज़ें हम मन में सोचते हैं, जितनी योजनाएं हम बनाते हैं, जितनी प्लानिंग हम करते हैं, जितनी चीज़ों को हम मेमोराइज रखते हैं, मेमोराइज रखने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है सेरिब्रम वाले पार्ट से, ठीक है। मैंने क्या बताया, मन में हम जितनी भी चीज़ें सोच रहे हैं, जितनी भी कार्यों को लेकर हम मन के अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, वो सारी क्रिया जो है वो अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले पार्ट के तहत होती है। अब बात आती है डाइएन्सीफेलॉन की। डाइएन्सीफेलॉन भी दो हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। डाइएन्सीफेलॉन भी दो हिस्सों में बटा होता है, कौन कौन से, एक पढ़ा होगा आपने थैलमस, और दूसरा नाम होता है हाइपोथैलमस का, ठीक है। ये दोनों किसके पार्ट है, डाइएन्सीफेलॉन के पार्ट है, थैलमस और हाइपोथैलमस। डाइएन्सीफेलॉन का जो हाइपोथैलमस पार्ट है, केवल वही पार्ट से लेकर आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान क्या पॉइंट रखना है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलमस का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है डाइएन्सीफेलॉन के हाइपोथैलमस का, साथ ही भूख प्यास लगना यानी कि थर्स्ट हो गया, जितने भी इमोशंस होते हैं चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सारे कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलमस वाले पार्ट से, ठीक है। जितने भी इमोशन हो गए, टेम्परेचर हो गया ह्यूमन बॉडी का, थर्स्ट हो गया, भूख प्यास, घृणा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है आपके डाइएन्सीफेलॉन पार्ट से, ठीक है। सेरिब्रम आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो भी चीज़ें हम प्लान करते हैं, मेमोराइज करते हैं, मन में जो चीज़ें सोचते हैं वो कंट्रोल होती है सेरिब्रम वाले पार्ट से। डाइएन्सीफेलॉन फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा है, डाइएन्सीफेलॉन के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके भी दो पार्ट हमने देखे, एक देखा है थैलमस और दूसरा देखा है हाइपोथैलमस। इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। तो जैसा कि मैंने बताया, सेरिब्रम क्या करता है, मन के अंदर जो चीज़ें हम प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या लग रही होती है, बुद्धि लग रही होती है। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी का सेंटर कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन में इंटेलिजेंस और मेमोरी का सेंटर किस पार्ट को कहा जाता है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम कहा जाता है। देखिए सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम किसका भाग है, तो ये फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम आपका आंसर होगा, बुद्धि और स्मरण का केंद्र कौन सा है, सेरिब्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, चार विकल्प आपको दिए गए हैं, और पूछा क्या गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा आंसर सही है या कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, जबकि ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तीन ऑप्शन के साथ ही आपको चूज करना है आपका सही आंसर। पहले में कहा गया है कि जो भी ब्लड है वो कहाँ से गुजरता है, किडनी के माध्यम से होकर के गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि सारा ब्लड किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि सारा ब्लड किडनी के माध्यम से बनता है, गुजरता है, शुद्ध होता है या फिर बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है वो सारा का सारा ब्लड प्योर होता है। किसके थ्रू प्योर होता है, तो वो होता है किडनी के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्योर होता है, शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
अब बात आती है कि ब्लड में कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज हो सकती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं ब्लड में यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, तो ये सारे मिलकर के ब्लड को अशुद्ध बना देते हैं। और इनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है बॉडी के किस पार्ट में, तो वो होता है किडनी में। किडनी क्या करता है, इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का काम करता है, कौन सा पार्ट, किडनी करता है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या फिर रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है डायलिसिस का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्धि का काम कौन करता है, किडनी करता है, और प्रोसेस क्या कहलाती है, तो प्रोसेस कहलाती है डायलिसिस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग कंडीशन दी गई है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में क्या चेंजेस होते हैं उस कंडीशन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि डिक्रीजेस इन विंटर, यानी कि सर्दियों में घट जाते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। बी कहता है कि गर्मियों में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ये ना तो सर्दियों में घटता है और ना ही ये गर्मियों में बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि ये सर्दियों में बढ़ जाता है। बताइए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में क्या चेंजेस होते हैं वेदर के अनुसार। तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, यदि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसका साधारण तापमान कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि यही हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, जबकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। ये है एक सामान्य मनुष्य का तापमान। अब देखिए, जैसा कि अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। तो वो जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ब्रेन का, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि एक सा बनाए रखने का काम करता है। यानी सर्दियों में भी ऐसा नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर ठंडा कर देगा या गर्मियों में बढ़ा देगा। ब्रेन में ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट पाया जाता है, ये हाइपोथैलेमस पार्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, और चाहे वेदर कोई भी हो, मानव शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान एक समान बनाए रखने में हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकल कर आ रहा है, सर्दियों में घट जाता है? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मानव शरीर का जो तापमान है वो सभी मौसम में एक समान होगा। एक समान बनाए रखने के पीछे का कारण क्या है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। ठीक है, कहाँ ये ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कहता है कि न ही सर्दियों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, यानी मौसम चाहे कोई भी हो, मानव शरीर का तापमान एक समान बने रहता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, किस पार्ट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए कहता है किडनी में, ऑप्शन बी कहता है लीवर में, ऑप्शन सी कहता है पैनक्रियास, जबकि ऑप्शन डी कहता है पिट्यूटरी में। तो देखिए, जो इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है किसमें, पैनक्रियास में प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय में ये प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पैनक्रियास के किस कोशिका में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशय की बीटा कोशिका में ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है या उत्पादित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस कोशिका में, तो ध्यान रखना है बीटा कोशिका में।
अब इसका काम क्या होता है इंसुलिन का, तो ध्यान रखना है कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर या ग्लूकोज होता है, ठीक है, शुगर या फिर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, वो होता है इंसुलिन का। ब्लड में जो ग्लूकोज और शुगर उपस्थित होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का, और यदि ये कम हो जाए तो फिर कौन सा रोग होता है, ये होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है, इससे लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण। और इसका काम क्या होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम होता है इंसुलिन का, जो पाया जाता है पैनक्रियाज की बीटा कोशिका में, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, पैनक्रियाज ध्यान में रखना है, काम ये क्या करता है ये ध्यान में रखना है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो जैसा कि मैंने बताया ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है पैनक्रियाज में प्रोड्यूस। और पैनक्रियाज आपके दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में दिया गया है, किडनी लीवर पैनक्रियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहलाता है। चार हार्मोन के नाम आपको दिए गए हैं, पूछा क्या गया है कि दिए गए हार्मोन में से किसे कहा जाता है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। विकल्प देखते हैं, दिया गया है एपिनेफ्रीन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, एपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। इसका एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, एपिनेफ्रीन हार्मोन का ही दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, एपिनेफ्रीन आपको कम जगह दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए ये विकल्प आपको दिया गया है। दूसरा इसका नाम होता है एड्रेनालिन, इसी हार्मोन का ही एपिनेफ्रीन भी नाम है और एड्रेनालिन भी इसी हार्मोन को ही कहा जाता है। इस हार्मोन का नाम है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ये जो एड्रेनिल है, एड्रेनेलिन है या फिर एपिनेफ्रीन हार्मोन है, ये हार्मोन काम क्या करता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके लिए पहले आप एक स्थिति इमेजिन कीजिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए निर्धारित तिथि कौन सी है, ये तिथि है आपकी 14 फेब, ठीक है, 14 फरवरी इसके लिए निर्धारित तिथि है। अब क्या है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 25 दिन बचे हैं, ठीक है, 24 डेज बचे हैं, 23 दिन बचे हैं, करते होंगे ना आप काउंटडाउन, तो इससे जो स्थिति बनती है आपकी अंदर में, ठीक है, यानी जो आपको डर फील होता है, इतना सिलेबस बचा हुआ है, इतनी चीज़ें रिवाइज करने को बची हुई है, तो जैसा आप फील कर रहे हैं हार्ट रेट आपका बढ़ता होगा, ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ जाता होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें किस हार्मोन के चलते हो रही है, वो हो रही है आपके एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनालिन हार्मोन के चलते हो रही है। तो ये हार्मोन कब रिलीज होता है, तो ये हार्मोन ऐसी विशेष परिस्थिति में ही रिलीज होता है जिस कंडीशन में आपको हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है, कोई निर्णय लेना होता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको जब लेना होता है, तब ये हार्मोन आपको हेल्प करती है उस डिसीजन को लेने में, ठीक है। तो इसलिए इस हार्मोन को नाम दिया जाता है फाइट एंड फ्लाई हार्मोन का, जो कि उस विशेष परिस्थिति में रिलीज होती है जिसके बारे में हम सोचने से या तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है या तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में हमें निर्णय लेना होता है, तब रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, तो ध्यान रखेंगे हार्मोन का नाम एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनालिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर क्या आया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस हार्मोन को कहा जाता है फाइट फ्लाई हार्मोन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी हम इस पोर्शन को कवर करना भूल जाते हैं और यही क्वेश्चन हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, हूज प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी नहीं है, ऑप्शन बी है वाटर नहीं है, ऑप्शन सी है सनलाइट नहीं है, जबकि ऑप्शन डी कहता है कि ऑक्सीजन नहीं है। इसके लिए हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखते हैं, यहाँ देखिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने लिखी हुई है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती क्या है,
तो जो पौधे के हरे भाग होते हैं यानी कि क्लोरोफिल, जिसमें कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, उसको एब्जॉर्ब करके वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। साथ ही ये जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये मिट्टी से जल को प्राप्त करता है। ठीक है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से प्राप्त करता है जल, साथ ही सनलाइट इसको मिल जाती है। इन तीनों चीजों से मिला करके ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस की हो गई, जिसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो रही है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, इस ऑक्सीजन गैस या ये ऑक्सीजन गैस निर्माण कहाँ से होती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो H2O है यानी कि जल है, ये ऑक्सीजन बनती है आपके जल से, इस ऑक्सीजन का निर्माण होता है वाटर से या फिर जल से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना है इस ऑक्सीजन का निर्माण होता है जल से। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की ये जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, इसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो जैसा कि एक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं जिसमें प्रोसेस दिखाया गया है, तो इसमें से कौन सी गैस का यूज किया जा रहा है, तो इसमें यूज किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रोसेस में यूज की जाती है। बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वो कहाँ से बनती है, तो वो बनती है जल की सहायता से। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से ध्यान में रखेंगे। इससे लेकर जो और दो तीन क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने देखी है। और क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं, इसमें पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, विकल्प देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो आवश्यक है। अब आते हैं वाटर पर, वाटर भी आवश्यक है, सनलाइट भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है ना लास्ट में, जो कि जल से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि हमें जल से मिलने ही वाला है बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एथलीट फूट बीमारी किसके कारण होती है, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, ये आप विशेष रूप से कवर करके जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आपको एथलीट फूट बीमारी के लिए पूछा गया है कि किसके चलते होती है। ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, फंगी का या फिर वायरस का। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो एथलीट फूट बीमारी है वो किसके चलते होती है, तो वो होती है फंगी या फिर फफूंद के चलते। ये एक फंगल डिसीज है, कौन सी डिसीज, एथलीट फूट जो डिसीज है वो एक फंगस डिसीज है या फिर फफूंद के कारण जो है ये होती है। ये जो डिसीज है, ये देखिए जो स्किन होता है मानव का, जो मानव की जो त्वचा है उसका मुलायम वाला हिस्सा ही इससे अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो बीमारी है कौन सी, एथलीट फूट, वो मानव के मुलायम हिस्सों पर ही अटैक करती है और स्पेशली अंगुलियों के बीच में ही ये अटैक करती है। ठीक है, एथलीट फूट बीमारी होती है फंगी या फिर फफूंद के चलते और ये मुलायम स्किन वाले पार्ट में ही अटैक करती है, खासतौर से ये उंगलियों के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्यूमर का पता लगाने वाला समस्थानिक है, आइसोटोप के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा आइसोटोप ट्यूमर का पता लगाता है, और आइसोटोप हमको दिए गए हैं कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74। ठीक है, ये जो समस्थानिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप विशेष रूप से पढ़ के जाएंगे कि किस समस्थानिक का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आपको ट्यूमर के पता लगाने वाले आइसोटोप के लिए पूछा गया है, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से आइसोटोप का क्या यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक है
उसको यूज किया जाता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से आइसोटोप का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कोबाल्ट 60, जिसका यूज किया जाता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सोडियम 24, सोडियम 24। ये जो समस्थानिक है इसका यूज किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन में, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी करने के लिए कौन सा आइसोटोप हेल्प करता है? तो आप ध्यान रखेंगे सोडियम 24। अब बारी आती है आयोडीन 131 की। तो आयोडीन 131 जो समस्थानिक है वो यूजफुल होता है घेंघा रोग के उपचार में, ठीक है, जिसे कहा जाता है गोइटर। इसके लिए कौन सा समस्थानिक यूज किया जाता है? वो है आयोडीन 131। नेक्स्ट दिया गया है आर्सेनिक 74 का। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 समस्थानिक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपको इसी आइसोटोप के लिए पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ट्यूमर का पता लगाने वाला समस्थानिक है, जैसे कि हमने कोबाल्ट 60 का देखा है कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सोडियम 24 में हमने देखा है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र का जब अध्ययन होता है उस हेतु ये उपयोगी है। आयोडीन 131 घेंघा रोग या फिर गोइटर की परीक्षण करने में ये उपयोगी होता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने हेतु काम में लिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी मीन्स यहाँ ओपेक की बात हो रही है, यदि आंख में जो लेंस यूज किया जाता है वो ओपेक हो जाए तो फिर आंख का कौन सा रोग होगा या फिर आंख में जो रोग होगा उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष कहा जाएगा, ऑप्शन सी कहता है यूआइटिस और ऑप्शन डी कहता है कैटरेक्ट्स या फिर मोतियाबिंद। ठीक है, बताइए आंख में जो लेंस यूज होता है कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस आंखों में यूज होता है, उत्तल लेंस जिसे ही कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। तो ये लेंस जब अपारदर्शी हो जाए, अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, तो इसके अपारदर्शी हो जाने पर आंख का रोग कहलाता है मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट्स। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस स्थिति में आंख में होने वाले रोग को क्या नाम दिया जाता है? तो नाम दिया जाता है कैटरेक्ट्स का या फिर मोतियाबिंद का। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।